चैनल इंडियन मॉम कंटेंट। सो गाइज, आपकी इतनी सारी रिक्वेस्ट पे मैं आज आपके साथ इस अग्यारो के ग्रैंड 40 लीटर ओवन का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, ओटीजी का रिव्यू। सबसे पहले आपको ओटीजी का फुल फॉर्म बता देती हूँ। ओटीजी का फुल फॉर्म है ओवन टोस्टर ग्रिल। इस ओटीजी में क्या क्या फंक्शंस है, इस ओटीजी को यूज कैसे करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में आज देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज, आपकी इतनी सारी रिक्वेस्ट पे आज मैं फाइनली आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इसे जब से मैंने लिया है तब से आपकी इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही कि दी इसको यूज कैसे करना है बताइए, दी इसका रिव्यू बताइए, और अपने किचन के लिए इसे ही मैंने क्यों चूज किया वो भी आपको बता देती हूँ। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के ओटीजी अवेलेबल है, बट ये जो ओटीजी है वो हाफ प्राइस में आपको मिलता है। बाकी सारे ब्रांड्स के ओटीजी आपको 10,000 के ऊपर ही मिलेंगे, बट ये ओटीजी मुझे मिला है 5,499 रुपीज में। हो गया ना हाफ प्राइस में, तो इसी वजह से मैंने इसे चूज किया। और ये ओटीजी 40 लीटर का है, मतलब आप सोच सकते हो 40 लीटर कितना बड़ा होता है, बट जगह जो कंज्यूम करता है वो छोटी सी जगह कंज्यूम करता है। मैंने जो अपने किचन में इसके लिए जगह रखी थी, मैंने 25 लीटर के ओटीजी के लिए जगह रखी थी, बट मैंने 40 लीटर का ओटीजी लिया, उस जगह में ये फिट आ रहा है। तो आप सोच सकते हो जगह कितनी कम कंज्यूम करता है ये। ये जो अग्यारो का 40 लीटर ओटीजी है वो मैंने अमेजोन से परचेस किया है, और जब मैंने देखा कि इस अग्यारो ब्रांड के ओटीजी को इतने सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं, इसी वजह से मैंने इसे परचेस किया। तब मुझे लगा था कि यार ये सस्ता है, बट ये काम करेगा अच्छे से या नहीं। जब मैंने इसके बारे में देखा, इसके रिव्यू पढ़े, तो तब मुझे पता चला कि नहीं, ये अच्छा है और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। और मैंने घर पे आने के बाद फिर ट्राई किया, इसमें आप जो भी बनाते हो बहुत अच्छे से कुक होके आपको मिलता है। इसके बाद इसमें इल्यूमिनेटेड चेम्बर है, मतलब एक बल्ब लगाया हुआ है, उसकी वजह से जो भी आप इसमें बेक कर रहे हो वो सब कुछ आपको क्लियरली दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट में क्रिस्टल क्लियर ग्लास है, उसकी वजह से आपको अंदर जो भी बेक हो रहा है वो डायरेक्टली दिखता है। बट दूसरे ब्रांड में ये चेम्बर बल्ब आपको नहीं मिलेगा और ग्लास भी टिंटेड होगा। इस ओटीजी के जो फुट है वो रबराइज फुट है, जिसकी वजह से ये जो ओटीजी है, मतलब इसे आप जब चलाओगे उसके बाद ये मूव नहीं करेगा अपनी जगह से। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी बात लगी इसकी, नहीं तो बाकी ब्रांड के ओटीजी मूव करते हैं। और इस अग्यारो ओटीजी में राउंड नॉब है, उससे क्या होगा कि अगर आप खाना वगैरह बनाते हो और आपके हाथों में कुछ लगा भी है तो ये इजीली रोटेट होगा। बाकी ब्रांड्स के ओटीजी में पॉइंटेड नॉब होते हैं, उससे खाना बनाने के टाइम रोटेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस अग्यारो ओटीजी में 4 हीटिंग रॉड्स होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, और इसमें कन्वेक्शन फैन भी होता है जो खाना बनाने के टाइम इवनली स्प्रेड कर देता है हीट को। यहाँ पर फर्स्ट है ये फंक्शन नॉब, इससे आप अलग अलग मोड सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि टॉप हीटिंग, उसके बाद बॉटम हीटिंग, उसके बाद टॉप एंड बॉटम हीटिंग, उसके बाद टॉप विद रोटेसरी, उसके बाद टॉप विद कन्वेक्शन, और उसके बाद बॉटम विद कन्वेक्शन। सेकंड है टेम्परेचर नॉब, इससे आप 90 डिग्री से 230 डिग्री तक टेम्परेचर सेट कर सकते हो। सबसे लास्ट है टाइमर नॉब, इससे आप 0 से 60 मिनट तक का टाइम आप सेट कर सकते हो। उसके बाद इसमें एक खास बात है, इसमें एक स्टे ऑन मोड है जो बाकी ओवन में नहीं आपको मिलता है। इस मोड से आप अपने ओवन को जितनी भी देर तक चाहो ऑन रख सकते हो। उसके बाद जब भी ये ओवन बंद होगा, ये जो लाइट है वो ऑफ होगा, जैसे ही आपने सेट किया हुआ टाइम खत्म होगा उसके बाद आपको ऐसे इस तरह से घंटी की आवाज सुनाई देगी। इस घंटी की आवाज से आपको पता चल जाएगा कि आपने जो भी खाना रखा है वो आपका रेडी हो गया है। और इस अग्यारो के ओटीजी में आपको रिमूवेबल क्रम ट्रे मिलता है, उससे आप अपने ओटीजी को इजीली क्लीन कर सकते हो। ट्रे को निकालो और इजीली क्लीन कर लो, इससे आपका ओटीजी गंदा नहीं होगा, इससे आपका ओटीजी हमेशा साफ रहेगा। इस अग्यारो ओटीजी के साथ आपको कई ऐसी इंपॉर्टेंट एसेसरीज मिलती है जो आपको अदर ब्रांड के ओटीजी में अलग से परचेस करनी पड़ती है, जैसे कि बेक पैन, ग्रिल ट्रे, रिमूवेबल क्रम ट्रे, उसके बाद रोटेसरी हैंडल, ट्रे हैंडल और रोटेसरी रॉड। ये सारी एक्सेसरीज आपको इसके साथ ही मिलती है, अलग से परचेस नहीं करनी पड़ती है। और इस अग्यारो की ओटीजी की एक खास बात और है, मतलब इसमें आप 3 ट्रे एक साथ लगा सकते हो और बहुत सारी बेकिंग कर सकते हो, कुकीज, बिस्किट्स, बहुत सारी बेकिंग आप इसमें कर सकते हो। और इस अग्यारो के ओटीजी के लुक के बारे में तो आप पूछो ही मत, क्योंकि आपको पता है ये मेरे किचन में कितना ज्यादा सुंदर लगता है, ये आपके किचन में बहुत सुंदर लगेगा। इसकी बॉडी पूरी ब्लैक मैट फिनिश में है, और उसके बाद ये जो फ्रंट ग्लास दिया है क्रिस्टल क्लियर ग्लास, इसकी वजह से इसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा आता है। और आज मैं आपको इसमें केक बेक करके दिखाने वाली हूँ। तो बैटर मैंने पहले से ही रेडी करके रखा था, तो चलिए अभी किचन में चलते हैं और इसमें केक बनाते हैं।
केक बनाने से पहले आपको ओटीजी को प्री हीट कर लेना है, फंक्शन को आपको बॉटम हीटिंग पे रखना है, उसके बाद आपको 180 डिग्री सेल्सियस पे आपको टेम्परेचर रखना है, उसके बाद टाइमर आपको 10 मिनट का रखना है। 10 मिनट्स टाइमर रखने के बाद वो जब बंद हो जाएगा तब आपका ओवन प्री हीट हो जाएगा और उसके बाद आपको अपना केक रखना है उसमें। और जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवन गर्म होता है, तो उसी के लिए आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस यहाँ पर आपको डोर लगा देना है और उसके बाद आपको 20 या 25 मिनट के लिए अपने केक को रख देना है। यहाँ पर मैंने टाइमर सेट कर दिया है और अब ये बेक होने के लिए रेडी है हमारा केक। यहाँ पर टू बॉटम्स रॉड जो है कितने ज़्यादा गर्म हो चुके हैं। केक को बेक करने के टाइम आपको नीचे से हीट चाहिए होती है, इसी वजह से आपको मोड सिलेक्ट करने के टाइम बॉटम हीटिंग मोड सिलेक्ट करना है और टेम्परेचर रखना है आपको 180 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो केक है वो बेक हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फूल चुका है केक। तो अभी जब इसका टाइमर ख़त्म हो जाएगा तब केक निकालने के लिए रेडी हो जाएगा और हम लोग इसे निकाल लेंगे और बस थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर मोल्ड से केक निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा केक इसमें बना है और हमारा केक बहुत ही अच्छे से फूल गया है। और आप देखो नाइफ निकालने के बाद बिल्कुल भी नाइफ में नहीं लग रहा है, इसी वजह से आप समझ सकते हो कि कितने अच्छे से ये केक बेक हुआ होगा। इसमें ना सिर्फ आप केक बना सकते हो, बहुत सारी ग्रिलिंग कर सकते हो, बहुत सारे बेकिंग कर सकते हो, बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेज आप इसमें बना सकते हो। मैं आपको ब्लॉग में आगे दिखाती रहूंगी इसमें बेकिंग करके, इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिशेज बना के। इससे पहले इसमें पिज्जा वगैरह बनाया है, बहुत अच्छे से ग्रिल होता है पिज्जा, उसका जो चीज है बहुत ही अच्छे से मेल्ट होता है, डोमिनोज स्टाइल पिज्जा इसमें बनता है। ये जो अग्यारो का 40 लीटर ओवन है वो वैल्यू फॉर मनी है और फीचर्स भी इसके बहुत ज्यादा अच्छे हैं बाकी ब्रांड के कंपैरिजन में। तो ये था गाइज अग्यारो के ग्रैंड 40 लीटर ओटीजी का रिव्यू। आई होप गाइज आपके लिए ये रिव्यू हेल्पफुल रहा हो। मेरी तरफ से तो ये ओटीजी हाईली हाईली रिकमेंडेड है आपके लिए, आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो। अगर परचेस करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए, आप लिंक पे क्लिक करके इसे परचेस कर सकते हो। और गाइज आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। चलिए गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।